महाराज जी, आपको, आप यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, आपको क्या हुआ था? मुझे साइटिका की प्रॉब्लम हो गई थी और हल्का हल्का दर्द पहले से था, और अभी बीच में श्री बद्रीनारायण का कपाट खुलने पर दर्शन के लिए वहाँ गए थे, तो वहाँ ठंड की वजह से दर्द बढ़ गई थी। तो मैं वहाँ से आया और यहाँ के जो मुझे इलाज दी गई उससे मुझे आश्चर्यजनक रूप से लाभ हुआ है, और अभी 3-4 दिन ही हुआ है। और मेरा जो ऊपर का दर्द और परेशानी वाला दर्द था, रात में सोने में दिक्कत हो जाती थी और करवट बदलने में दिक्कत होती थी, वो सब ठीक हो गई है। और थोड़ा दर्द है लेकिन ये दर्द जो है अब सहनीय है, असहनीय वाला जो दर्द था वो सब खत्म क्या हो बीमारी गया का है। नाम था? साइटिका बताते हैं कि साइटिका में नस फूल गया था, नस में सूजन हो कितने गई परसेंट थी। ठीक हो? 80% लगभग ठीक ठीक हो हो गया। चुके हैं। कोई अंग्रेजी दवाई थी? तो कोई अंग्रेजी दवाई नहीं ये थी। तो अंग्रेजी डॉक्टर की क्लिनिक है। अंग्रेजी डॉक्टर की क्लिनिक है लेकिन डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं, और जो डॉक्टर हैं उन्होंने पूर्ण आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इलाज किया है। बस्ती बस्ती से वस्ती वस्ती बस्ती से में क्या किया था? वस्ती में कुछ दवाइयाँ उन्होंने रेक्टम थ्रू रेक्टम जो है वो उन्होंने दिया। आज तीसरा दिन। हाँ, आज तीसरा दिन है। और जिस समय आए थे उस समय परेशान कितने थे बहुत आप? परेशान थे हम, सोने में दिक्कत होती थी, करवट बदलने में दिक्कत होती थी, अब वो सब समस्या नहीं है। वज्रासन में भी नहीं बैठ सकते थे, सुखासन तो खैर अभी भी ये थोड़ा। जो ट्रीटमेंट पद्धति है जो यहाँ पे विकसित की गई है, इसके बारे में आपको और भी पहले भी एक्सपीरियंस हुआ है कभी? बहुत से लोग आते थे और उनके जो बीमारियां ठीक होती थी, बहुत सौ को मैंने सामने में देखा था, और किसी के मुंह में कितने छाले वाले पड़े होते थे और वो इलाज होके ठीक होता था, मैंने सुना था। लेकिन जब मैं खुद आया और देखा तो, और आपके हमारे गुरु भाइयों को आश्चर्यजनक रूप से लाभ हुआ। हमारे गुरु भाई जो है ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद जी, हमारे गुरु भाई स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी, गुरु भाई पुण्यानंद जी, उन सबको आश्चर्यजनक रूप से जो है इस आयुर्वेदिक चिकित्सा से बहुत ही तेजी से लाभ हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो इतनी तेजी से, आयुर्वेद तो कहते हैं कि बहुत धीरे धीरे काम करता है, लेकिन यहाँ पर तो इसकी स्पीड कैसी थी? नहीं, मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ कि आयुर्वेद बहुत धीमे धीमे काम करता है। आयुर्वेद बहुत ही सटीक काम किया है और ये प्रमाण है, तो अब इसका फिर आगे क्या, जो 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 सामने है वो तो सामने है, ये प्रत्यक्ष हम सियाटिका देखा हुआ है। का इलाज आपको लगता है कि अंग्रेजी में भी कुछ है? अब बहुत से लोगों ने बताया था, कोई कह रहे थे इस डॉक्टर से दिखाओ, कोई कह रहे थे एक्सरे करा लो, कोई कह रहे थे, लेकिन हमने कहा था कि नहीं, हम अपने जो हमारे जो चिकित्सक हैं, हमारे जो जो आयुर्वेदिक चिकित्सा वैसे आपकी पद्धति से जानकारी के करते लिए हैं। बता दूं, सियाटिका नर्व जो है वो इसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसको आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार वायु कहते हैं, लेकिन एलोपैथिक सिद्धांत के अनुसार इन्फ्लामेशन करते हैं। और ये इतनी तीव्र पीड़ा होती है इसमें, और इसमें एलोपैथी में इसका कोई भी इलाज नहीं है। और उसको हमने अनुभव भी किया है कि जब से यहाँ से ट्रीटमेंट लिया है तो अपान वायु बहुत मात्रा में निकला है, और वो जो अपान वायु निकला है उससे बहुत राहत हुई है, मतलब आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अपान वायु निकला है। तो मुझे लगता है कि वो जो इन्फ्लेमेशन था और वायु का जो है प्रकोप था वो निकल जा रहा है उससे। ये तो स्वाभाविक है, जब लक्षण खत्म हो रहे हैं इसका मतलब अंदर से बीमारी भी खत्म हो रही है। और ये सिद्धांत प्रतिष्ठित करता है कि हमारा अथर्वेद में जो आयुर्वेद है वो पूर्णतया वैज्ञानिक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आयुर्वेद को प्रतिष्ठित करने वाला ये करने का एक प्रमाण है। हाँ, और यही हमारा संघर्ष है। और ये पोल्यूशन और करप्शन, इसी की वजह से एलोपैथी से लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। जी जी अगर जी मैं कहूँ इसको आप 100 में से कितने नंबर देंगे, तो क्या कहेंगे? मैं 100 में से 101 नंबर दूंगा। धन्यवाद।